मोदी सरकार हिंदुस्तान की सरहदों को अभेद्य सुरक्षा कवच पहनाने के लिए गंभीर है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम फैसला लिया, जहां पर रोहिंग्याओं की घुसपैठ से लेकर पूर्वोत्तर के उग्रवादियों और आतंकवादियों की पनाहगाह बन चुके म्यांमार की सीमा को अब सील कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने फैसला लिया कि बॉर्डर को पूरी तरह से सील करके उसकी पेट्रोलिंग की जाएगी। ये फैसला लिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि भारत म्यांमार बॉर्डर की बाड़े बंदी होगी। केंद्र सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग लगाने का फैसला किया। इसके अलावा सरकार निगरानी बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर गश्त करने को ट्रैक का भी निर्माण कराएगी। 10 किलोमीटर की फेंसिंग मणिपुर के मोरेह में लगाई जा चुकी है। हाइब्रिड सर्वेलांस सिस्टम से फेंसिंग लगाने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम किया जा रहा है। कुछ साल पहले भारतीय सेना ने सीमा पार म्यांमार में स्ट्राइक भी की थी और पिछले कुछ समय से मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में म्यांमार से आ रही भीड़ को देखते हुए सीमा को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट करते हुए ये बताया गया कि मोदी सरकार देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए कटिबद्ध है। क्या लिखते हैं वो, सीमा की कुल लंबाई में से मणिपुर के मोरेह में 10 किलोमीटर तक पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है और इसके अलावा हाइब्रिड सर्वेलांस सिस्टम यानी कि HSS के माध्यम से फेंसिंग करने के 2 पायलट प्रोजेक्ट इस वक्त चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग की जा रही है। इसके अलावा मणिपुर में करीब 20 किलोमीटर तक फेंसिंग लगाने के काम को मंजूरी दे दी गई और काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको यह भी बताएं कि भारत सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण है। वहीं अब म्यांमार में हिंसा और तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय वहां पर रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर चुका है। इसमें भारतीय नागरिकों को वहां के रखाइन प्रांत की यात्रा नहीं करने के लिए कह दिया गया है।